हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री देखेंगे। केमिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई तो हम कोई पिन पॉइंट करके डेट तो नहीं बता सकते कि यहाँ से केमिस्ट्री का एक्जिस्टेंस हुआ, बट ये तो कहा जा सकता है कि द ग्रोथ ऑफ केमिस्ट्री मस्ट हैव गॉन हैंड इन हैंड विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सो ब्रॉडली हम केमिस्ट्री के ग्रोथ को और उसकी हिस्ट्री को 5 अलग अलग स्टेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। Let us say the first stage is ancient period, which can be considered up to approximately 350 AD. उस जमाने के अंदर इंसानों को मिल्क से कर्ड बनाना आता था। We used to know how to make glass, pottery card, dyes बनाना, perfume बनाना आता था। हमें sweet juices से wine making की techniques पता थी। और most importantly हमें gold और silver जैसे कीमती metals का extraction भी आता था। And the dominant theory at that particular time was that every matter is made up of 4 different substances, that is earth, fire, air and water. Then came a mysterious period called as alchemical period. उस जमाने के जो chemist हुआ करते थे, यानी कि जो chemistry की study करते थे, chemistry के researchers होते थे, उन्हें alchemist कहा जाता था। वो दो चीजों की तलाश में थे, एक फिलोसोफर स्टोन एंड सेकेंड एलिक्सर ऑफ लाइफ। व्हाट इज दिस फिलोसोफर स्टोन? एक ऐसा मिस्टीरियस मटेरियल जिसे जिंक, कॉपर, आयरन जैसे बेस मेटल्स पर रब किया जाए तो वो गोल्ड में तब्दील हो जाए। और एलिक्सर ऑफ लाइफ उस चीज को, मतलब एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मिस्टीरियस मटेरियल जिसका इस्तेमाल करते हमारी लाइफ प्रोलोंग हो सकती है, इलनेसेस क्योर हो सकते थे। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स थे वो एकदम एब्सर्ड थे, कभी वजूद में आए नहीं, बट इन अल्केमिस्ट का जो अप्रोच था वो बहुत साइंटिफिक कहा जा सकता है। इसी वजह से वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान नए नए अपैरेटस वजूद में आए और डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और अलग अलग टेक्निक्स भी देखने मिली और उनकी भी डिस्कवरी हुई। अल्केमिस्ट इजिप्ट के अंदर और कुछ अरब मुल्कों के अंदर, चाइना के अंदर डोमिनेंट थे अलग अलग पीरियड्स के अंदर। देन केम अ पीरियड कॉल्ड एज आइट्रोकेमिस्ट पीरियड। इस पीरियड के जो सबसे डोमिनेंट केमिस्ट थे उनका नाम रॉबर्ट बॉयल था। शायद आपने बॉयल्स लॉ नाम सुना होगा, ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अमेजिंग रिलेशनशिप को समझाता है। रॉबर्ट बॉयल का मानना ये था कि केमिस्ट्री का जो फोकस है वो इन मिस्टीरियस अननोन मटेरियल्स की तरफ नहीं बल्कि मेडिसिन की तरफ होना चाहिए। वो अल्केमिस्ट के बिल्कुल खिलाफ थे। इनफैक्ट उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम स्केप्टिकल अल्केमिस्ट था, जिसमें जंग के अल्केमिस्ट की बुराई भी की गई। उसके बाद एक और अजीब सा पीरियड आया जिसे फ्लोजिस्टन पीरियड कहा जाता है। उस जमाने ये पीरियड लगभग 100 ईयर्स तक चला। एक थेरी थी, स्पेसिफिक थेरी थी, वो ये थी कि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उसमें से एक अननोन और मिस्टीरियस मटेरियल निकलता है जिसका नाम फ्लोजिस्टन है। अब वो ये इसलिए सोचते थे ऐसा कि जाहिर सी बात है बर्निंग की वजह से मास मटेरियल का कम हो जाता है, तो जो भी मास गायब हुआ है वो फ्लोजिस्टन का मास है। और ये भी एक एब्सर्ड थ्योरी थी। इस थ्योरी को डिस्ट्रॉय करने वाले शख्स का नाम लेवोइजियर था। और इसी से हम अपने अगले पीरियड और फाइनल पीरियड जिसे मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं उसको देखते हैं। मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री के जो सबसे डोमिनेंट और शुरुआती केमिस्ट थे उनका नाम लेवोइजियर था। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आप सब जानते हैं कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इसको पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले एक शख्स का नाम लेवोइजियर था। यही वो शख्स थे जिन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर नेमिंग की, नोमेनक्लेचर बताया, और यही वो शख्स थे जिन्होंने बताया कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन की वजह से जलती है। एनीथिंग बर्न, इट बर्न बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और भी कई साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम आने वाले सालों के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो एक शॉर्ट और ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड।